Hello, Salam, Namaste, Sat Sri Akal and copy to all. This is InterUrban KG and welcome to my YouTube channel. मेरे हिसाब से किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस, और आज हम वही करने वाले हैं. हम लेने वाले हैं सिडनी से हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस. सिडनी से जनरली दो हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस चलती हैं. एक जाती है बॉन्डई की तरफ विच इज़ द बीच साइड, और दूसरी दिखाती है सिटीज. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. और अगर आप मेरी तरह सिटी के बाहर रहते हो तो हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस लेने का बेस्ट तरीका है टू रीच द सेंट्रल स्टेशन. मैंने डिसाइड किया था कि मैं हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस लूँगा सेंट्रल स्टेशन के बाहर से विच इज़ पिट स्ट्रीट. सो इफ़ यू आर लाइक मी, सबसे पहले आपको ढूंढना है ग्रैंड कॉन्कोर्स और एक बड़े से गेट से बाहर जाना है सिटी की तरफ. और एक बार आप स्टेशन से बाहर आए मेन रोड की तरफ तो जस्ट लुक एट योर राइट इन फ्रंट ऑफ द वेकअप होटल. ट्रस्ट मी, आप इस बस को मिस नहीं करोगे क्योंकि ये बिग बस की इकलौती बस होगी वहाँ पे जो एक ओपन डेक के साथ खड़ी हुई मिलेगी, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली यू रीच ऑन टाइम. टिकट विकेट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम चले अपर डेक की तरफ, और थैंकफुली मुझे इस बार सामने की सीट मिल ही गई. बड़ी मुश्किल से मिलती है ये सीट, सो प्लीज़ बी ऑन टाइम ताकि कम से कम आप आगे बैठ सको. और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर टू कैरी एन अम्ब्रेला एंड अ जैकेट इन सिडनी, क्योंकि यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं और आज भी ओवरकास्ट ही है. सिडनी सिटी में हॉप इन एंड हॉप ऑफ बसेस को ऑपरेट करता है बिग बस, और बिग बस के जनरली होते हैं टू रूट्स विच इज़ अ ब्लू रूट एंड द रेड रूट. रेड रूट आपको दिखाता है सिटी और ब्लू रूट आपको ले जाता है बीचेस की तरफ जिस पे हम हैं अभी. हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस के टूर्स की कॉस्ट वेरी करती रहती है, पर कुछ साइट्स पे कॉम्बो टूर पैकेजेस मिल जाते हैं जिसमें हॉप इन एंड हॉप ऑफ बस भी इंक्लूडेड होती है और एक क्रूज़ भी, और इनकी जनरली कॉस्ट $65 टू $75 पर पर्सन मिल जाती है. सो प्लीज़ डू लुक आउट एट द डील्स बिफोर बाइंग द टिकट. और अब शुरू हुआ हमारा टूर, और हमारी बस यू टर्न लेके वापस पिट स्ट्रीट की तरफ आ गई. और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स हेयर, एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने राइट हैंड साइड से बस ली थी और अब हम उसी रोड पे घूम के लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए हैं. एंड एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे इंडिया की तरह ही राइट हैंड पे स्टेयरिंग व्हील होता है. सो द ड्राइविंग ओवर हेयर इज़ सिमिलर टू दिल्ली और एनी पार्ट ऑफ इंडिया. और ये सामने से निकली हमारी ट्रैम. जी हाँ, वैसे तो आप सिटी को पैदल भी घूम सकते हो, पर अगर आपको ज़्यादा चलना नहीं है तो यहाँ का ट्रैम का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है. सो अगर आप सेंट्रल स्टेशन से सर्कुलर की जाना चाहते हो तो ट्रैम्स आर अवेलेबल. और एज़ यू कैन सी यहाँ पे शेयर ट्रैफिक होता है, तो ट्रैम्स भी उन्हीं रोड पर चलती है जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ और बसेस. तो सिटी से निकलते हुए हम अपने ब्लू रूट के पहले स्टॉप पे पहुँचे जो है हाइड पार्क. ये सिडनी का शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्क है और ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है विच दे कॉल एज CBD, मतलब बेसिकली सिटी के बीचों बीच. इसकी एक तरफ है एलिजाबेथ स्ट्रीट और दूसरी तरफ है कॉलेज स्ट्रीट. ये पार्क बना था 1810 से 1927 तक. इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल पार्क्स इन सिडनी, सो यू शैल कम एंड विजिट इफ़ यू हैव टाइम. And here comes the famous Coca-Cola board of Sydney. जी हाँ, ये बोर्ड 1974 में लगाया गया था, और जो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नियॉन बोर्ड देख रहे हो वो अराउंड 1990 में लगाया गया था. इन 2007 जब पहला अर्थ डे हुआ था, that was the first time when the lights were switched off on this board. This board is also known as the gateway to King Cross, as it is visible from all of the William Street, which is the main road leading to the King Cross. और King Cross क्या है? That is the red light area of Sydney. और मेरे राइट हैंड साइड पे है ज्यूइश म्यूजियम विच एग्जिबिट्स द आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द Holocaust and also the achievements of different Jewish people in Australia. और इसके ही बिल्कुल सामने आप देख रहे हो सेंट विंसेंट हॉस्पिटल और इस जगह का नाम है डार्लिंग थ्रस्ट. एक चीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अच्छी लगती है इसके लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं. चाहे गली कितनी भी छोटी हो, जाम कितना भी हो, गाड़ी एक के पीछे एक ही चलेगी. और मज़े की बात यह है कई तो इसमें से इंडियन ड्राइवर्स भी होंगे जो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक गाड़ी चलाते हैं, पर हमारे यहाँ वापस आते ही पता नहीं क्या होता है कि हर एक को एक दूसरे के ऊपर से गाड़ी निकालनी होती है. और ये है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. वैसे तो अभी ये काफ़ी शांत लग रही है, बट दिस स्ट्रीट एक्चुअली इज नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ. और मेरे राइट हैंड साइड पे ये जो आपको बड़ी बड़ी दीवारें दिख रही हैं ये है विक्टोरिया बैरक्स, लिस्टेड एज कॉमनवेल्थ हेरिटेज इन 2004. This building was constructed in 1847 और अगर आप इसे देखना चाहते हो so it is open to public on Thursday 10 AM to 12:30 PM. और इस रेड लाइट के बाद राइट हैंड साइड पे है सेंटेनियल पार्क. It is home to number of wild animals like birds, rabbits and foxes. और हाँ, सेंटेनियल पार्क में एक रैबिट रिट्रीट भी है just in case you are fond of rabbits. और अब सिटी की लिमिट्स होती हैं ख़त्म और हम इस हाईवे से चले बॉन्डई की तरफ. वाइल वी आर गोइंग टू बॉन्डई एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको. आपने कैंगरू तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का फेमस एनिमल, बट डू यू नो कि कैंगरू का एक्चुअल नाम कहाँ से आया? द टर्म कैंगरू कम्स फ्रॉम एबोरिजिनल वर्ड कंगारू और ये लैंग्वेज जनरली नॉर्थ क्वींसलैंड में बोली जाती है. और एक लेजेंड भी है जो आपको एक्चुअली इस बस के टूर पे भी सुनने को मिलेगा कि जब सेटलर्स आए विच आर बेसिकली ब्रिटिशर्स और उन्होंने कैंगारू को देखा तो उन्होंने पूछा वहाँ के लोकल्स से कि भाई ये जानवर कौन सा है, तो उन्होंने बोला कैंगरू एंड दैट्स वेयर द नेम केम फ्रॉम. वैसे तो कैंगरू जेनेरिक स्पीशी का नाम है, सो बड़े जानवरों को कहते हैं कैंगरूज और छोटे कैंगरूज को जनरली बोला जाता है वॉलबीज. और फाइनली हम पहुंच गए हैं बॉन्डई रोड और ये एरिया आता है वेवरली काउंसिल के अंडर. राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है वेवरली ओवल जहाँ पे कई बार क्रिकेट मैचेस और मोस्टली रग्बी मैचेस खेले जाते हैं. जी हाँ, क्रिकेट के अलावा ऑस्ट्रेलिया में रग्बी इज़ अ बिग गेम एज वेल. और अब हमारे राइट हैंड साइड पे है बॉन्डई बीच. जी हाँ, अगर आप सिडनी में हो और आप एक ही बीच जा सकते हो देन आई हाईली रिकमेंड टू कम टू द बॉन्डई बीच. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही अच्छे अच्छे खाने पीने की दुकानें हैं और राइट हैंड साइड पे एज यू कैन सी, जो मेरा राइट हैंड साइड है इज़ द ब्यूटिफुल बॉन्डई बीच. बॉन्डई का मतलब होता है द प्लेस ऑफ ब्रेकिंग वाटर. इसके पास एक बॉन्डई कोस्टल वॉक भी है जिसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट एज आई सेड कि अगर आप सिडनी में हो और आप एक ही बीच पे जा सकते हो सो डू कम टू बॉन्डई बीच, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. और यहाँ पे आने के लिए इट इज़ वेरी ईजी. आपको ट्रेन मिलेगी बॉन्डई जंक्शन तक और उसके बाद वहाँ से ऑलमोस्ट सारी बसेस बॉन्डई बीच आपको ले आएंगी. Don't need your permission, tired of existing inside of this prison. Run, baby, run away. matter, really don't matter to me. You still don't get it, you think I regret it, but I don't. अब हम चले वापस सिटी की तरफ। तो ये था हमारा ब्लू बस का ट्रिप। इसके बाद हम पहुंचे वापस पिट स्ट्रीट, जहाँ पे था थोड़ा सा स्टॉप ओवर, और उसके बाद यही बस हमको लेके जाने वाली थी एक चेंज ओवर प्लेस पे, जहाँ से हमको मिलती रेड बस जो हमें दिखाएगी सिटी। और अब हम है रेड बस पे, और एज यू कैन सी यहाँ पे होता है प्री रिकॉर्डेड गाइड टूर ऑडियो फॉर्मेट पे, जो आप अपने हेडफोन से प्लग कर सकते हो। सो नाउ इट्स टाइम टू सी द सिटी। और रेड बस से हम पहुंचे परहैप्स ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूबसूरत जगह, विच इज़ बेसिकली द सिडनी हार्बर ब्रिज एंड ओपरा हाउस। ये आमने सामने इतने सुंदर दिखते हैं दैट आई कांट जस्ट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। सिडनी हार्बर ब्रिज बना था 1932 में, और इसका घर का नाम या फिर निकनेम कोट हैंगर भी है ड्यू टू इट्स आर्क डिज़ाइन। और जहाँ तक ओपरा हाउस का सवाल है, ये क्वीन एलिजाबेथ II ने 1973 में खोला था, और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1958 में। ऑल्दो ये दिखता लोटस टेम्पल जैसा है, पर फिक्र मत करो, उन्होंने हमारा डिज़ाइन नहीं चुराया, क्योंकि लोटस टेम्पल बना था 1986 में। रेड रूट और ब्लू रूट या फिर रेड बस या ब्लू बस काफ़ी सारे सिटी के एरियाज़ को सिमिलरली कवर करते हैं, तो हम अब सिर्फ वही एरियाज़ को कवर करेंगे जो हमने ब्लू बस में नहीं देखे। और ये है न्यू साउथ वेल्स की पब्लिक लाइब्रेरी। ऑल्दो सिडनी एक सिटी है, पर जिस स्टेट के अंदर ये आती है वो है न्यू साउथ वेल्स, एंड दैट इज़ वाई द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। और एक और बात, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ना तो सिडनी है और ना ही न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, विच इज़ अ डिफरेंट सिटी। एंड दिस इज मार्टिन प्लेस, बेस्ट प्लेस फॉर कॉफ़ी। And this is the heritage, the Central Station, the heart of the Sydney city. कहीं भी जाना हो यहीं से मिलेगी ट्रेन। और अगर आप हो गैम्बलिंग के शौकीन, तो ये है सिडनी का सबसे बड़ा कैसीनो, द स्टार। और अब हम पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में, विच इज़ द रॉक्स। और यहीं पे आके ये बस ख़त्म होती है। द रॉक्स इज़ नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ, pubs as well as the cafes. So no matter which part of the day it is, this is the place to be. I hope you liked the video. If you did, you know what to do. So this is it for this one. See you in the next one. Rab Rakha. Don't need your permission, tired of existing inside of this prison.